आधा घंटा गया इसमें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। सो इट्स टाइम टू गो होम। अभी मैं हूँ परतवाड़ा के ऑलमोस्ट बाहर। दरियापुर इज़ मोर 55, अकोट इज़ 55, अकोला इज़ 103, शेगांव इज़ 1111। 5-6 दिन था मैं यहाँ पे राइड्स की एंजॉय किया, और अभी फाइनली मैं जा रहा हूँ मेरे घर पे। बट घर जाने से पहले मैं पुणे जाने वाला हूँ। सो आज की अपनी जो बाइक है वो कुछ इस तरह से है। ये देखिए, ये इसमें है शूज़। इसको रखने के लिए दोनों सैडल बैग्स और टॉप बॉक्स में जगह नहीं थी। वो क्यों नहीं थी वो चलते चलते बताता हूँ। इसके लिए फिर अभी ऐसे बांध के रखा है। अभी बज रहे हैं 10:30। निकलता हूँ मैं, बाकी की कहानी आपके साथ बाइक पर शेयर करता हूँ। चलो निकलते हैं अभी पुणे, और 11 घंटे बता रहा है मैप के अनुसार। सो लेट्स सी कितने टाइम में हम लोग पहुँचते हैं। रोड्स अच्छे हैं जालना तक, सो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट आराम आराम से जाना है। और मैं आज सोलो हूँ, इसके लिए मैं जहाँ पे चाहिए वहाँ पे मैं रुकने वाला हूँ, क्योंकि वीडियोस, फोटोज़ ये सब कैप्चर करते करते मैं जाने वाला हूँ। मुझे भूलना नहीं है कि सैडल बैग्स लगे हुए हैं। जब सौमित्र जा रहा था तो उसको मैंने बोला कि कुछ सामान रख देना मेरे पास, ताकि मैं आते वक्त वो लेके आता हूँ, क्योंकि उसके जो कपड़े थे वो सब वो लेके गया, लेकिन मेरी जो सैडल बैग थी तो वो खाली खाली रहती। इसके लिए फिर मैंने सोचा कि कुछ उसका भी सामान मैं लेके आता हूँ। जब अभी सब सामान रखने का टाइम आया तब मेरे शूज़ बाहर रह गए। इतना सामान हो गया अभी। तो ये है अंजन गांव। अगर आप ये साइड लेफ्ट साइड जाओगे तो दरियापुर अकोला जा सकते हो, और अगर राइट जाओगे तो अकोट। अकोला का जो वो साइड का रास्ता है तो बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ है। कैसा है कि ये रास्ता मेरा टाइम बचाएगा और किलोमीटर्स बचाएगा, इसके लिए फिर मैं अकोट से जा रहा हूँ। आज मैं इतना लेट इसके लिए निकल रहा हूँ क्योंकि पहली बात तो नींद कंप्लीट होनी बहुत ज़रूरी है। अगर नींद कंप्लीट नहीं हुई तो फिर मज़ा नहीं आता है राइड करने में या फिर व्लॉग करने में। मतलब मैंने ये आते वक्त एक्सपीरियंस किया कि मैं सिर्फ 3 घंटे सोया था। भले अभी मुझे यहाँ के रास्ते तो मालूम है, तो मैं अच्छा खासा कवर अप कर सकता हूँ, तो फिर मैं पुणे आराम से और अच्छे से मैं शाम तक पहुँच सकता हूँ। और पुणे में जल्दी जाके भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक जो है पुणे में तो वो बहुत ही रहती है शाम के टाइम, सुबह के टाइम। औरंगाबाद से पुणे तक नाइट ड्राइव हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, एच जे जी अपने हैं अच्छे खासे। ओके सो औरंगाबाद इज़ 277, अहमदनगर इज़ 390 एंड पुणे इज़ 512। 500 किलोमीटर और बाकी है यहाँ से, और अभी मैं हूँ अकोट शहर में। बाय द वे, अकोट इज़ माई बर्थ प्लेस। 1999 में मेरा जन्म हुआ था यहाँ पे। लेकिन मैंने अभी तक पूरा अकोट एक्सप्लोर नहीं किया। हम लोग जब भी आते थे बचपन में तो नाना नानी के घर पे रहते थे एंड उधर ही एंजॉय करते थे बस। अगर आप राइट साइड में जाते हो तो हीवरखेड़, और अभी मैं जिस रूट पे हूँ वो सिटी के बाहर निकलता है टूवर्ड्स शेगांव, और लेफ्ट साइड में जो है ये पूरा मार्केट एरिया है। मैंने एक बार इसके लिए टायर पूछे थे ये शॉप में शायद से, कि डोमिनार का ऐसा ऐसा टायर चाहिए मुझे। वो बोलते हैं कि अरे भाई ऐसी बाइक होती है या नहीं यही नहीं मालूम बोल रहे हमको। मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूँ उस बाइक का। ये साइड में ज़्यादातर KTM या फिर बुलेट यही सब ज़्यादा चलते हैं। ओके सो रीच्ड शेगांव। लेफ्ट साइड में है मंदिर, राइट साइड में है रेलवे स्टेशन। मैं यहाँ पे एक ब्रेक लेने वाला हूँ, कचोरी ब्रेक।
ओके सो अभी मैं रुका हूँ शेगाव कचौरी खाने के लिए, टेस्ट इज गुड इनफ। सो अभी मिलते हैं इनसे। मी शंकर मामनकर, शेगाव कचोरी मध्ये 10-12 वर्ष होत आहे मला, 2012 पासून करलेले आहे। 16-17 दुकाने आहेत आमचे आणि क्वालिटी पण आमची मेंटेनन्स एकच आहे। विशेष म्हणजे हा फ्रोझन पण राहते, 3 महिनेपर्यंत राहते आमची फ्रोझन पण हे कचोरी राहते। मग हे किती महिने म्हटलं? हे 3 महिनेपर्यंत राहते, फक्त तळायचं काम आहे, तळायचं काम असते। हे कचोरी 4 दिवसपर्यंत राहते। 4 दिवस? हो, एकदा तळल्यावर 4 दिवस? 4 दिवसपर्यंत राहते। चटणी कसली असते? चटणी असते दाल्या शेंगदाणे पुदिनाची। हे पट्टीदार आहे। हे कसं आहे? हे महिना आहे मला आणि हा 6 महिना याच्यामध्ये लावलेला असते। हा एक कचोरीचा मसाला, 15-20 दिवस याला काहीच होत नाही। फ्रीजमध्ये ठेवायचं? कसला असतो हा तरी अंदाजे? चण्याच्या डाळीचा। अच्छा, आणि त्याच्यात मसाले राहतात त्या प्रकारचे। शेगाव के अगर कचोरी नहीं खाया तो मज़ा नहीं आता। चलो, इट इज़ 12:43 राइट नाउ। मैं कभी अराउंड 11:30 बजे पहुंचा था शेगाव में, 11:30 या 12:15 तक। जिस शॉप में मैं अभी रुका था कचोरी खाने के लिए, द पीपल वेयर सो स्वीट, बहुत हम्बल थे। उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी उनके बारे में, उनके शॉप के बारे में। जब मैं पहले कचोरी लेने गया तो मैंने पेमेंट कर दिया जो भी था। निकलते वक्त वो भाई ने फिर से मुझे पैसा ला के दिया कि भाई रख लो, हमें नहीं चाहिए। लेकिन मैंने बोला नहीं भाई, बिज़नेस की जगह है और इतना बड़ा मैं हूँ नहीं अभी तक कि मैं स्पॉन्सरशिप की या फिर ऐसे पेड प्रमोशंस करूँ। और मुझे ये ट्रिप में थोड़ा ऐसा ही कुछ करना है कि जिससे हमारे साइड का जो विदर्भ है या फिर जो अनसीन प्लेसेस है विदर्भ में, उनको एक्सप्लोर करके लोगों के सामने रखना, ये मेरा टारगेट था। ऑल दो कम्प्लीट विदर्भ मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, बट ज़रूर मैं आगे चल के करने वाला हूँ ये चीज़। तो ये ट्रिप का मेरा यही मकसद था कि अगर मैं बाइक से इतना लंबा आया हूँ तो ऑफकोर्सली कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें या फिर अच्छी अच्छी लोकेशंस आपको दिखाऊँ, और ताकि आपको भी वो मालूम पड़े और ये एरियाज भी प्रमोट हो। डायरेक्ट उधर ही चढ़ा दिया ये, कहाँ से किधर से घुसा ये, बाप रे। अभी यहाँ से मुझे लेना है राइट, सीधा जाएंगे तो जालना सिटी आएगा और राइट से लेंगे तो बाईपास डायरेक्ट औरंगाबाद। अरे भाई कभी होगा यार रास्ता कंप्लीट, वाह वाह। नेक्स्ट टाइम वाया नासिक। सो लेफ्ट में अगर जाएंगे तो सोलापुर, बीड, ये सब तरफ आप जा सकते हो, और अगर राइट तो फिर अहमदनगर एंड मुंबई औरंगाबाद। ये घर से लड्डू दिए थे लेकिन लड्डू का अभी चूरा बन गया, पूरी बूंदी हो गई है। चलो निकलते हैं यहाँ से। 10-15 मिनट रुक गया मैं यहाँ पे। नॉर्मली मैं कभी भी राइड पे जाता हूँ तो ज़्यादा हेवी लंच या फिर ब्रेकफास्ट नहीं करता, नॉर्मल लिक्विड में लेता हूँ, जैसे छाछ हो गया, जूस हो गया कोई भी। वेलकम टू औरंगाबाद, इट्स 4:00 राइट नाउ।
हम लोग राइडर लोग सैडल स्टे लगा लेते हैं सामान कैरी करने के लिए, और यहाँ का सैडल स्टे देख लो, जो भी छोटा मोटा सामान है वो पीछे सीट पे और वो कैरियर में रख के लेके जाते हैं। अभी सनसेट होने के लिए और एक घंटा है, और मुझे जितना ज़्यादा हो सके उतना कवर करना है। ऑलमोस्ट मैं 5:45 या 6 बजे तक अहमदनगर पहुँचूँगा, और उसके बाद और 100 किलोमीटर अप्रॉक्स पुणे रहेगा। अच्छा, हाथ छोड़ के गाड़ी चलाओ, क्रूज कंट्रोल भी नहीं है गाड़ी में। 7 घंटे हो गए हैं राइड चालू करके, और अभी तक मैंने किए हैं 394 किलोमीटर सिंस 7 आवर्स इंक्लूडिंग ब्रेक्स, विच इज़ आई गेस नॉर्मल, मतलब मैप के हिसाब से ही चल रहा हूँ मैं। ये देखो कितने कीड़े मरे, इसमें क्लियर दिख रहा नहीं है लेकिन बहुत सारे, मेरा हेलमेट पूरा कीड़ों से भर गया है अभी इधर। इवन जो लेंस है ना उस पर भी धूल मिट्टी कीड़े वीड़े मर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में मुझे इससे साफ़ करना पड़ता है। सो अभी एक ब्रेक लेते हैं अच्छा खासा, एक छोटा सा टाइम लैप्स देख लो, उसके बाद निकलता हूँ। राइट नाउ, और यहाँ पे ऑलमोस्ट जब से मैंने टाइम लैप्स लगाया था सनसेट का उसके बाद ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया। वेलकम टू अहमदनगर। ओह लुक एट दिस, कितना अच्छा किया है ये सब। ये जब से ब्रिज बना दिया है तो कोई टेंशन नहीं है अभी, टकाटक। अभी इतनी ठंड बढ़ चुकी है बाबा, हाथ मेरे नम हो रहे हैं, और ठंडी ये अंदर घुस रही है। पुणे जस्ट 40 किलोमीटर्स नाउ, जल्दी जल्दी आ जाए, ट्रैफिक ना मिले यही चाहिए रहता है हर राइडर को। हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। रास्तों की कंडीशन थोड़ी अच्छी है इसके लिए जल्दी जल्दी कवर कर पा रहा हूँ मैं। पता नहीं ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं जिनको क्या लगता है ये सब बाइक और ये सब सेटअप देख के गेटअप देख के कट कुट मार के जाते हैं। अरे क्या मतलब है, हेलमेट तो पहनो कम से कम। सर इरिटेट होता है ना, मतलब मैं आराम से मेरे स्पीड में जा रहा हूँ, पीछे से आके कट मारेगा, सिग्नल पे एकदम रेव करके भागेगा। अरे क्या करने गए भाई, और मैं ट्रैफिक में भगाना भी नहीं चाहता, मेरे वजह से किसी को या किसी की वजह से मुझे नुकसान नहीं होना है, बस ये मैं ध्यान में रख के गाड़ी चलाता हूँ। लेकिन ये मेरे को समझ नहीं आता ये क्या मेंटेलिटी है सच्ची में। फाइनली रीच पुणे। लास्ट के जो 20 या 30 किलोमीटर थे वो एकदम हेक्टिक थे। सो एनीवेज 9:30 बजे मैं पुणे पहुँचा, सुबह के 10:30 बजे मैंने राइड स्टार्ट की थी। अभी सिर्फ खाने का है और सोने का है, ज़्यादा एनर्जी नहीं है अभी कुछ बोलने में भी। और इवन मैं जब जालना के आगे आ गया था तभी मैंने व्लॉग नहीं किया था, मैं सिर्फ फोकस कर रहा था राइडिंग पे क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना था। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। कुछ अगर क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में आप बिंदास पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग।